जब आपकी हड्डियों के अंदर आपको वो मजबूती ना महसूस हो और हमेशा दर्द ही दर्द उसमें बना रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके शरीर को उचित मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा है, जितना कैल्शियम आपके शरीर को चाहिए या फिर जितना कैल्शियम आपके हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपके शरीर में आवश्यकता है, उतना कैल्शियम आपको नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे करें। यह सबसे बड़ी समस्या होती है आज के टाइम पे कि हड्डियां कमजोर होने लगती है, बहुत वीक हो जाती है। खास करके यहां पे मैं अगर बात करूं जिनकी एज 35 प्लस 40 प्लस की एज के बाद में हड्डियां ऑटोमेटिक वीक होने लग जाती है, तो उस उम्र में हम हड्डियों को कैसे सॉलिड बना के रखें, लोहे की तरह सॉलिड हड्डियां बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी में आपने क्या लेना है, कैसे इसको बनाना है और कैसे इसका उपयोग करना है। दोस्तों आपने फ्लैक्स सीड्स का नाम सुना होगा, अलसी के बीज, बहुत जबरदस्त इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्वों का भंडार यहां पर अगर मैं बोलूं तो वो भी कम है। जब आप इसका सेवन करना चालू करेंगे तो आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना चालू हो जाएंगे जो आपकी बॉडी के अंदर आपको चाहिए, चाहे वो विटामिन है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे फाइबर है, चाहे आयरन है, चाहे विटामिन बी है, चाहे विटामिन डी है, यानी कि हर पोषक तत्व और सबसे ज्यादा मात्रा में इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और इसके साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इतने ज्यादा गुणों का भंडार ये होता है। अब इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेना है तवे पे डाल के, बिल्कुल मामूली सा तवे पे डालें और इसको थोड़ा सा हिला लें गर्म तवे पे, जैसे कि जैसे चने को हम रोस्ट करते हैं, ठीक वैसे आपने इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट अच्छे से जब हो जाए उसके बाद आप इसको नीचे उतारें, हल्का से इसको ठंडा होने के लिए रखें। उसके बाद आपने इसको कूट के इसका पाउडर बना लेना है, कूटे इतना कि बिल्कुल महीन पाउडर आपका बन के रेडी हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने इसका सेवन कब करना है, देखिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेवन आप करेंगे रात को सोते टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, आपने रात को सोते टाइम पे आप इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे सुन लीजिए। एक गिलास आपने दूध लेना है, एक गिलास दूध के अंदर आपने एक चम्मच इस पाउडर का डाल देना है और उसको अच्छे से बॉयल कर देना है। दोस्तों आप जब इसको बॉयल करेंगे तो जब ये उबलने लगे तो उसके बाद में आपको गैस की जो फायर है उसको थोड़ा सा स्लो कर देना है और 5 से 7-10 मिनट तक और धीमी आंच पे आपने उसको पकाना है। पकाएं इतना कि बिल्कुल वो गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाए। उसके बाद आप उसको नीचे उतारें, उसको ठंडा होने के लिए रखें, या फिर आप उसको डायरेक्ट छान के गर्मा गर्म भी पी सकते हैं, या फिर हल्का जब गुनगुना रह जाए तो उस टाइम पे भी आप उसका घूंट घूंट करके सेवन करें और आप उसके बाद सो सकते हैं। और इसके सेवन करने के बाद में आपने किसी अन्य दूसरी चीज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको प्यास वगैरह लगती है तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद पानी का सेवन कर सकते हैं। बाकी खाने की अगर मैं बात करूं तो खाने में आपने इसके बाद में कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ पानी पी सकते हैं 1.5 घंटे बाद, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। दोस्तों जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात की वो सारे के सारे आपको पहले दिन से मिलना चालू होंगे। हड्डियों का दर्द आपको 5 से 7 दिन इस्तेमाल करते करते जब होगा तो हड्डियों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसको 40 दिन लगातार ले लेते हैं, 40 दिन दोस्तों, 40 दिन का ये प्रयोग है, 40 दिन अगर आपने इसको कर लिया तो हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हड्डियों में दर्द होता है, कुछ भी है, उन सारी प्रॉब्लम के बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तो सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो आपकी धीरे 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 बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगी और आपकी हड्डियों में जान आएगी, एकदम मजबूती भी आएगी, हड्डियों में लचीलापन भी आएगा, आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे एकदम, जैसे बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं ना, ठीक वैसे ही आपका जो बॉडी है, आपकी हड्डियां हैं, वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, तो आप कुछ भी काम बिना दर्द के एकदम एक्टिव होकर अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपके बीच में मैं हमेशा लेके आता रहता हूं। तो आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए और अच्छी सी रेमेडीज यहाँ पे शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।